हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज को, और ये इसका लेक्चर नंबर 4 आने वाला है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट आज की वीडियो में कवर करने हैं, और इसको अगर हम इकट्ठा कर ले तो इसे नेस्टेड लिस्ट भी कहा जाता है या फिर नेस्टिंग लिस्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले अभी हम अनऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर हम किसी भी नंबर की जगह कोई भी हम ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी शेप ऐड करते हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर या फिर डिस्क शेप। ये तीन शेप्स होती हैं जो कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पी टैग लगाएंगे। यहाँ पर हम पी टैग लगाते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि पी टैग क्या होता है और हम इसे क्या किस लिए यूज़ करते हैं। तो आप अगर वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पी टैग लगा लिया। अब इस पी टैग के अंदर मैं लगाऊंगा H1 टैग। तो इस H1 को टैग को लगाने के हैं हम, और ये सबसे बड़ा जो फॉन्ट में सबसे लार्ज साइज होता है ये वो साइज है, और H1 का टैग भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। H2 का H1 का लगा लिया हमने, और अब इस H1 टैग के मैं अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज एग्जांपल ऑफ लिस्ट, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसे मैंने सेव कर लिया, और अगर मैं अपने ब्राउजर में आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा शो होगा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, और ये जो LIS है ये सेम लग रहा है क्योंकि ये फॉन्ट का थोड़ा डिफरेंस है। ये L और I आपको सेम लगेगा, पर ये L लिखा है और ये I लिखा है। और अब हम क्या करते हैं कि अपना पहला टैग स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ पर लिखूँगा UL। UL स्टैंड फॉर यू अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर हम UL लगाएंगे और ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम इसे क्लोज भी करेंगे क्योंकि ये एक कंटेनर टैग है, हम कंटेनर टैग को हमेशा स्टार्ट और क्लोज करते हैं। मैंने इसे स्टार्ट और क्लोज कर लिया, और अब मैं हम इसके बीच में थोड़ी स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पर मैं अब कोई भी आइटम दे सकता हूँ जिसको हमने लिस्ट बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पर दे सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर 5 आइटम्स हम डालते हैं, सोफा, चेयर, टेबल और ग्लास। यहाँ पर मैंने 4 आइटम्स ही डाल दी अभी इसके अंदर, क्योंकि मुझे और कोई आइटम मिल नहीं रही थी। तो अब हम इसे सेव करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे क्या होता है। अगर ये कि मैं आपको अभी रीलोड करके दिखाऊँ तो ये एकदम एक लाइन में शो कर रहा है, क्योंकि हमने इधर एक चीज़ करनी होती है, UL टैग के साथ हमने LI टैग भी लगाना होता है। LI टैग किस लिए यूज़ होता है? LI टैग यूज़ होता है लिस्टेड आइटम्स के लिए। हम इसे लिस्ट करते हैं आइटम को तो उसे LI टैग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं LI टैग लगाऊं और इसे क्लोज भी कर देते हैं, LI टैग को क्लोज किया, अब मैं इसे सेव करता हूँ। और जब भी हम ऐसे कोई आइटम लिस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें इस तरह से LI टैग भी लगाना होता है। इसका टाइम मतलब होता है LI आइटम का मतलब होता है लिस्ट आइटम। और अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और अब मैं LI को भी कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे आइटम्स लगा दिए हैं, और अब मैंने इनके साथ LI टैग भी लगा दिए। LI टैग मैंने आपको बता दिया है इसके चीज़ के लिए स्टैंड करता है। LI आइटम स्टैंड फॉर लिस्टेड आइटम्स या फिर लिस्ट आइटम्स। और अब मैं इसको रीलोड करूँगा, मैंने शायद इसे पहले सेव करना पड़ेगा हमें, और अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो आप डिफरेंस देखिएगा।
बस ये देखिए यहाँ पर ये जो शेप आई है हमारे पास ये डिस्क शेप है, पर अगर हम यहाँ पर कोई शेप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम इधर सर्कल स्क्वायर तीन तरह की शेप्स होती हैं, सर्कल स्क्वायर और डिस्क शेप, अगर हम यहाँ पर कोई और शेप लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमने यूएल वाले टैग में जाएंगे और इसमें स्पेस देंगे जहाँ पर हमने यूएल स्टार्ट किया वहाँ पर स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट स्लैश या फिर माइनस और यहाँ पर लिखेंगे टाइप, यहाँ पर लिस्ट के बाद हम लिखेंगे स्टाइल और अब हम लिखेंगे टाइप और अब हम अब यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम शेप अपनी, हम मैं जैसे कि स्क्वायर शेप लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लिखता हूँ और इसे लिखकर और अब हम क्या करते हैं यूएल यहाँ पर हमने लिस्ट स्टार्ट किया उसके पहले स्टाइल लिखेंगे और मैं यहाँ पर स्टाइल लिख के इक्वल का साइन लगाता हूँ और अब हम इसके ऊपर डबल कोट लगाएंगे और स्क्वायर के बाद एक कोट लगाएंगे और इसे कर देंगे सेव। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ और ये देखिए ये शेप चेंज हो चुकी है, ये स्क्वायर शेप आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो सर्कल की शेप भी लगा सकता हूँ, सर्कल भी बना के लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्कल और अब मैं इसे सेव करता हूँ और अपनी वेब पेज पे जाके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सर्कल शेप आ चुकी है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है जो कि होती है नॉन NONE, इसे क्या होता है कि मैं अगर इसे सेव करके आपको दिखाऊँ तो ये कि यहाँ पर से ये सारे जो हमारे शेप्स थी वो हट चुकी हैं और यहाँ पर अब कोई शेप नहीं है। अब आप चाहें तो इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल रेक्टेंगल कोई भी शेप लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर सर्कल ही रहने देता हूँ या फिर मैं आपको इधर डिस्क लगा के दिखा देता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी। डिस्क लगाते हैं और मैं आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ, देखिए वो शेप वापस आ चुके हैं डिस्क शेप, इसे हम डिस्क शेप करके और अब इसके अलावा हम जो चीज़ करेंगे वो है ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सारे को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करके यहाँ पर पकड़ पेस्ट कर दूँ और अब बस मैं क्या करूँगा इसमें चेंज कि ओ यू एल की जगह हम ओ एल लिख देंगे, ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट मैंने आपको बता दिया है, ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट और मैं नीचे जहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पर जो यू एल है इसके जगह भी ओ एल लगा देंगे तो ये भी हमारा ऑर्डर लिस्ट बन जाएगा और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या चेंज है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क होता है आखिर। और हम अब अपने वेब पेज पे जाते हैं और अब ये कि आप यहाँ पर सिंपल डिस्क है ना, अब मैं इसे बिल्कुल लोड करूँगा तो ये नंबरिंग शो करेगा, मैं नंबर वाइज ऑर्डर लिस्ट में शो करेगा और यहाँ पर पहले सेव कर लेता हूँ, सेव करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 देखिए काउंटिंग आ गई है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि अल्फाबेटिकली इसे अरेंज कर सकता हूँ और हम इसमें रोमन काउंटिंग भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर टाइप करेंगे स्पेस देके टाइप इज इक्वल टू, या हमें याद रखना हम जो जो करें और यहाँ पर हम डबल कोट लगा के इसके अंदर कैपिटल ए लिख लेते हैं तो ये कैपिटल अल्फाबेट्स में हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी, ये अरेंज हमें अल्फाबेटिकली कर देगा, देखिए ए बी सी डी। और अब मैं इसके जगह अगर स्मॉल लेटर्स करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्मॉल ए और इसे करके सेव, अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा और आपको ये देखें अब यहाँ पर ए बी सी डी स्मॉल दिखेगी। और अब हम क्या करते हैं इसे रोमन काउंटिंग में चेक करते हैं, अब मैं पहले कैपिटल पहले जैसे हमने किया था इसे सेव करते हैं और यहाँ पर मैं इसे रीलोड करूँगा तो ये देखिए ये रोमन काउंटिंग में हो गया। अब मैं इस रोमन काउंटिंग को जो हम स्मॉल साइज करना चाहते हैं तो मैं इसे स्मॉल करता हूँ, सेव करता हूँ और अब हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये स्मॉल का जो अल्फाबेट हो गया वो स्मॉल रोमन काउंटिंग शो कर रहा है हमें। अब इसके अलावा एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, हम इसे राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए अब जैसे कि ये फोर है हम इसे ऊपर लेके जा सकते हैं 4 3 2 1 ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सिंपली मैं इसे हटा दूंगा सारे को और टाइप तक हटा दूंगा और यहाँ पर मैं रिवर्स्ड लिखूंगा RE RS रिवर्स्ड इसे सेव करते हैं और जाके अगर मैं रीड करूँ देखिए 4321 ये दूसरी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शो करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं कोई और काउंटिंग करना चाहता हूँ सेम हम करेंगे क्या करेंगे कि टाइप लिखेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोट और इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट लिख देते हैं जैसे कि ये लिखा और यहाँ पर देखिए रिवर्स हमने बाय लिखा हुआ है। इसे सेव करते हैं और अब मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ ये देखिए DCBA ये कुछ इस तरह से शो करता है हमें। अगर अब हम यहाँ पर अपनी पसंद की काउंट्री से स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इसे नंबर वन से असेंडिंग ऑर्डर में या फिर सेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम ON लिखेंगे और इधर टाइप की जगह हम कर देंगे स्टार्ट STARTस्टार्ट और अब हम इसे सेव करेंगे इसको जो हमने कोड लिख लिया अभी तक और इसको हटा के मैं फर्ज करेंगे 61 से स्टार्ट करता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पर जाके इसे रीलोड करता हूँ देखिए 61 से काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और ये जो है रिवर्स में है क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर रिवर्स लगा रखा है। अब मैं यहाँ पर इसे रिवर्स हटाता हूँ और इसे सेव करता हूँ और अब इसे रीलोड करके आपको दिखाता हूँ 61, 62, 63, 64 और ये हर तरीके से काम करेगा। अगर हम इधर कोई अल्फाबेट भी लिख लेते तो ये तब भी काम करेगा जैसे मैं जी से स्टार्ट करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। ओके हमने इधर स्टार्ट जी से किया है। अच्छा हमें यहाँ पर ना टाइप भी लगानी पड़ेगी और वो टाइप आप लगाएंगे तो ये फिर चलेगा ये काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको हाई लिख के दिखाता हूँ स्टार्ट ये करेगा फोर से हम स्टार्ट करते हैं इसे क्योंकि मेरे पास फोर आइटम हैं तो हम इसे फोर से स्टार्ट करेंगे और इसे मैं रीलोड करता हूँ तो ये अभी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप की कमांड नहीं दे रखी। अगर मैं यहाँ पर टाइप की कमांड देता हूँ तो आप कर सकते वो हो जाएगा वर्क करेगा पर क्योंकि मैंने आपको बता दिया हुआ है तो ये आपके लिए आज का टास्क है कि आप ये खुद से प्रैक्टिस करें कि ये हम टाइप और ये इस कमांड को कैसे एक साथ लिखेंगे। और आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो अगर आपको नहीं पता चलता मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें मैं आपको कमांड बता दूंगा वो या फिर अगर मैं क्योंकि सारों को रिप्लाई नहीं भी कर पाता तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा कमांड आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो। और यहाँ पर मैंने एक ओएल एक्स्ट्रा लगा दिया था यहाँ पर और इसे मैंने सेव करता हूँ और अब रीलोड करते हैं और ये कि हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ करेंगे वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम कैसे करेंगे अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करके दिखाऊँ तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट वो लिस्ट है जैसे कि इस हम एक एग्जांपल लेते हैं वर्ड और सेंटेंस हम एक लेते हैं और वो हमने वर्ड और सेंटेंस एक्सप्लेन करना है किसी को जैसे कि हम एक डेफिनेशन लिखते हैं हम एक फूड की डेफिनेशन लिखते हैं या फिर हम किसी भी बायोलॉजी या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई डेफिनेशन होते हैं सिंपल ये वैसे ही काम करता है बस इसमें हम क्या करेंगे कि ये कोडिंग की लैंग्वेज है इसमें हमें टाइप करना पड़ता है खुद से और वो टाइप हम कैसे करेंगे हम इसे DL से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर D और L लिखेंगे और यहाँ पर इसे स्टार्ट करेंगे DL को इसे स्पेस देते हैं थोड़ी और यहाँ पर DL को क्लोज कर लेते हैं इसे भी हमने क्लोज करना है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर DL लिखेंगे और DT लिखेंगे इसके अंदर DT का फुल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन टर्म DT या मीन्स डिस्क्रिप्शन टर्म इसे स्टार्ट करेंगे और इसे हम क्लोज कर लेंगे इसे हमने स्टार्ट किया क्लोज किया। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम आइसक्रीम की एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम की हम एग्जांपल लेते हैं और अब हम इस DT के बाद एक और चीज लिखेंगे जो कि है हमारे पास D और हम उसके साथ लिखेंगे D डबल टाइम्स D लिखेंगे और D स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन जैसे कि मैं यहाँ पर आपको DD लिख के दिखाता हूँ और यहाँ पर इसे क्लोज भी करेंगे DD
और इसे मैंने किया क्लोज। अब मैं इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, तो इसके हम लिखेंगे इट हम किस चीज को डिफाइन करना चाहते हैं, और ये हो गई है हमारी वो डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन, जो हमने अपनी टर्म दिया उसकी डेफिनेशन हो गई है। ये हम काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, हमने कभी हेडिंग देनी होती है तो ये उसकी तरह यूज़ किया जा सकता है, ये काफ़ी टाइप्स पे यूज़ होता है। और अब मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, DL, डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी हमने देख लिया। अब हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक सीखा है। हमने सीखा है सबसे पहले UL टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI टैग, और हमने ऑर्डर लिस्ट सीखा है। इसके अलावा हमने स्टार्ट कमांड सीखी है, स्टाइल कमांड सीखी है, टाइप कमांड भी सीखी है हमने, और हमने क्या सीखा है DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टर्म, और DD डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। हमने इनको क्लोज भी कर दिया है यहाँ पर। और अब हम इसे सीखेंगे नेस्टेड लिस्ट या फिर नेस्टेड कॉन्सेप्ट। हम क्या करेंगे, अपने जो डिस्क्रिप्शन में हमने ये जो अपनी जो वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं उनको हम एक साथ एक ही जगह पे यूज़ करने वाले हैं, वो हम कैसे करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक और नया पी टैग स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ टैग, और इधर मैं पी लिखूँगा, इस पी को क्लोज किया मैंने यहाँ पर से, इसे पी को थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लिया, और मैं इसे आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपके आपको क्लियरली पता चले मैं यहाँ पर टाइप क्या करूँ। और पी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, अपना पहले तो UL टैग लगा लेंगे क्योंकि हमें अनऑर्डर्ड चाहिए ये, और UL टैग के बाद हम LI टैग लगाएंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हम LI मतलब लिस्टेड लिस्ट आइटम, और LI टैग लगाएंगे, इसे स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर लेंगे, और मैं इसे क्लोज करता हूँ। और अब इसके अंदर हम अपना एक आइटम दे देते हैं, मैं आइटम क्या देने वाला हूँ यहाँ पर, हम चिप्स यूज़ करते हैं, चलिए चिप्स यूज़ करेंगे। और अब हम यहाँ पर OL टैग लगाएंगे, ऑर्डर लिस्ट का टैग लगा लेंगे, वो क्यों, हमने चिप्स की अब आगे टाइप्स बतानी है क्योंकि हमने उधर इसको एक टाइप्स बतानी है चिप्स की, तो हम उसके लिए हम OL टैग यूज़ करेंगे, ऑर्डर लिस्ट टैग। और यहाँ पर मैं ऑर्डर जिसमें टाइप्स लिख लेता हूँ, जैसे कि रेड चिली, और अब मैंने यहाँ पर जैसे कि लिख लिया, और अब मैं इसके LI टैग भी लगा लेता हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, जो चिप्स है उसमें LI टैग नहीं यूज़ होगा, उसमें होगा UOL टैग, जो हमने यहाँ पर LI यूज़ किया उसके बाद हम यूज़ करेंगे OL टैग, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर OL टैग के बाद हम LI टैग एक और LI टैग लगाएंगे, यहाँ पर हम LI टैग लगाएंगे और इसको क्लोज भी कर लेंगे। LI टैग लगा के हमने इसे क्लोज कर लिया, सेव करते हैं, और यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करके इसकी दो तीन टाइप्स और लिख लेता हूँ, जो हमारी चिप्स है उसकी टाइप और लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और टाइप दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक और टाइप में सॉल्टी दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने सॉल्टी फ्लेवर दे दिया, और यहाँ पर इजाफ और बेस करके यहाँ पर एक योगर्ट फ्लेवर मैं दे देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप तो देख चुके, मैंने यहाँ पर सारे फ्लेवर्स लिख लिए, और अब हम इन सारे टैग्स को जो हमने स्टार्ट किए हैं उनको क्लोज कर लेते हैं। तो उसको क्लोज करेंगे हम कैसे, अब यहाँ पर हम पहले जो हमने टैग यूज़ किया था वो UL है, और उसके बाद OL है, तो हम पहले OL टैग को ही क्लोज करेंगे और फिर सबसे एंड में हम UL टैग को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर मैं OL टैग को टाइप करता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्योंकि इसे क्लोज करना है तो आप स्लैश लगाएंगे और इसे कर देंगे क्लोज, और इसके बाद हम अब UL टैग को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर मैं UL टैग को क्लोज करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर अपने सारे टैग्स क्लोज किए, UL टैग क्लोज किया,
ओएल टैग क्लोज किए, एल आई के सारे टैग्स हमने क्लोज किए, और ये जो सब कुछ है ये है नेस्टेड लिस्ट। यहाँ से लेकर टी टैग से लेकर हमने जितनी भी यूज किया वो है नेस्टेड लिस्ट। और मैं थोड़ा नीचे गैप दे देता हूँ और ताकि हमें क्लियर हो, क्योंकि ये सारा जितना भी हमने किया है ये नेस्टेड लिस्ट है, क्योंकि इसमें हमने सारे आइटम्स को यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, सेम वही तरीका है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए भी, पर मैं अभी आपको वो नहीं बताऊँगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लेंगे खुद। और यहाँ पर हमने एल आई टैग को क्लोज कर लिया है, और अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ एक दफ़ा ये कैसे शो होगा। पहले से पहले मैं यहाँ पर कुछ टैग यूज़ करूँगा, वीआर का एक टैग यूज़ कर लेते हैं, वीआर ये टैग क्लोज नहीं होता, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये टैग क्लोज नहीं था। मैं इसके लिए यहाँ पर रीडर का तो ये कि सबसे पहले हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें हमारी चिप्स आ रही है, ठीक है, ये हमारा जो मेन आइटम है ये वो है, और हमने उसके बाद उसके जो फ्लेवर्स हैं वो बताए हमने, चिप्स में रेड चिली फ्लेवर, सॉल्टेड फ्लेवर और योगर्ट फ्लेवर ऐड किया है। तो ये कि ये सारा ऑर्डर लिस्ट में है, और ये जो चिप्स हमारी ये अनऑर्डर लिस्ट में, हमें इसे कॉपी पेस्ट करके जितनी भी टाइम यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको तरीके बता दिए कि ये कैसे होता है, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये एक ख़ास बात है कि ये ऐसी खासियत है HTML फाइल की कि हम ये सारा कुछ नेस्टेड लिस्ट वगैरह ये कर सकते हैं, और इसलिए मुझे HTML फाइल भी पसंद है। और अब मैं आपको कहूँगा कि आप ये सारा कुछ एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, पिछली वीडियो हमारी देख लें जो आपने नहीं देखी, अगर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एंड में और आई कार्ड पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।